सामने आया है। तीन लोग इसमें शरीक थे, तीनों को गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने पहले नंद के साथ गैंगरेप किया, फिर उससे जान से मारने के इरादे से चाकू से कई बार वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। इसके बाद आरोपियों को पकड़ लिया गया। वारदात के विरोध में कई जगह पर विरोध प्रदर्शन हुए, जिसके बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मामले की सीआईडी जांच के आदेश भी दे दिए। हम आपको सीसीटीवी से ली गई जो तस्वीरें हैं वो दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, हाईलाइट करके। ये तीन आरोपी हैं जो फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में हैं। 74 साल की नन से गैंगरेप का ये मामला है, पश्चिम बंगाल की खबर हम आपको बता रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस के जो नेतृत्व में ममता बनर्जी बंगाल को किस जगह पर ले गए हैं तीन साल में, ये इसकी एक नमूना है। और मैं नहीं समझता कि सीआईडी की इंक्वायरी करने से मामला दब जाएगा, हकीकत का सामना करना पड़ेगा। आखिर क्यों ऐसे हुआ, ऐसे लोगों की हिम्मत कैसे हुई और इसकी हिम्मत कौन लोग जुटा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनने के बाद ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री के काल में एक प्रकार से बाढ़ सी आ गई है। महिलाओं के साथ दुष्कर्म की, महिलाओं के साथ अपमानजनक स्थितियों की, महिलाओं के साथ छेड़खानी की, और बलात्कार तो एक प्रकार का कल्चर बन गया है तृणमूल कांग्रेस की सरकार में, ममता बनर्जी की सरकार। ममता बनर्जी स्वयं ऐसे ऐसे वक्तव्य देती रही हैं